हमीदा, हमीदा इधर आना जरा। जी अप्पा। जी अप्पा, ये मैं क्या सुन रही हूँ भाई तुम्हारी बेटी के बारे में? खैरियत है, क्या सुना आपने मेरी बेटी के बारे में? तुम्हारी बेटी अपने पिछले मंगेतर के साथ पूरा पूरा दिन मोटरसाइकिल पर घूमती थी, गायब रहती थी, हैं? और कह रही हो कि क्या सुन रही हूँ? आपने गलत सुना है मेरी बेटी के बारे में, आप इल्ज़ाम लगा रही हैं आपा मेरी बेटी पे। बंद करें, बंद करें। मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ? ये क्या कह रही हो तुम? अरे ये हमारा हक बनता है कि हमारी होने वाली बहू के किरदार के बारे में कोई बोले तो हमारे पास जवाब तो हो देने को। ऐसे कैसे हो सकता है? ये आप झूठ बोल रही हैं, सरासर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं मेरी बेटी पे, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बीबी, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, ये पूरा ज़माना कह रहा है, और जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं बारात नहीं लाने की। फहमीदा, बाखुदा मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हमीदा की बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से हो रही है। मेरे घर तो शादी का कार्ड गया था, उसमें ढोलकी मेहंदी का था, सो मैं आ गई। हाय, काश मैं ना आती ना मेरे मुंह से सच निकलता। बहुत अच्छा हुआ ये, अल्लाह ने बहुत अच्छा कराया, तुम ना आती तो हमें कैसे पता चलता कि धोखा हुआ हमारे साथ। फहमीदा आपा, धोखा हुआ नहीं, धोखा होने वाला था, वो तो अच्छा हुआ वक्त पे पता चल गया। जबी तो ये इतनी वारे न्यारी थी मुझ पर कि मैं चढ़ावे में सोने के कड़े चढ़ाऊंगी और 21 जोड़े मर्दों के और 21 जोड़े औरतों की, धोखेबाज कहीं की, फरेबी। अरे मैंने खामा का जिक्र कर दिया, तुम्हारी महफिल खराब हो गई। अरे ये क्या कह रही हो नईमा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत एहसान किया हम पर, वरना हमें कैसे पता चलता कि उसकी रुख्सती तो पहली हो चुकी है मोटरसाइकिल पर और तलाक भी हो गई। फहमीदा आपा, आहिस्ता आहिस्ता, लोग सुन रहे हैं। अरे तो सुने तो जरूर सुने, मेरे बेटे के लिए क्या यही रह गई थी तलाकशुदा? और कहाँ है वो, बुलाओ उसे, अभी उसकी खबर लेती हूँ मैं, जिसने मेरे बेटे का रिश्ता कराया था। क्या नाम है उसका, बुला लो उसे जरा, बेबी रिश्ते वाली धोखेबाज। लो भाई आ गई बाजी जी, जब गेट पर तबले के बजाय जंग का तबल बजे ना तो समझो आज फिर केस खराब हो गया। आ रही हूँ बाजी, आ रही हूँ, खोल रही हूँ। कह रही होगी क्या, सुनाई नहीं देता दरवाजा खटखट आ रही हूँ कब से मैं। इतना गर्म पानी देर से रखा था ना फ्रिज में। बाजी सुबह पानी उबाल कर पंखे के नीचे ठंडा करके फिर फ्रिज में रखा था, उस वक्त की जो बिजली गई अभी आई है। तौबा, आज का तो ना दिन ही मनहूस चल रहा है। तुझे पता है क्या हुआ है? नजीर का फोन आ गया कि उसकी बेटी लड़ झगड़ के घर वापस आ गई है। भाई इसमें मेरा क्या कसूर है मुझे खुद बताओ। उसके बाद वो लिटिल स्टार वाली आंटी ने, उनका फोन आ गया कि उनकी जो बहू है उसे नाक में दम कर रखा है। फिर बहू के घर वालों को बुलाया, उनसे बातचीत कराई, सुलह सफाई कराई। अरे भाई मुझे ये बताओ, हम शादी कराते हैं, रिश्ते कराते हैं, अब हमने आफ्टर रिश्ता सर्विस तो नहीं रखी हुई ना, ना हम कोई वारंटी देते हैं कि भाई शादी के बाद कोई कैसा निकलेगा। उसके बाद शगुफ्ता आपा की बेटी का मसला खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ बाजी, वो शगुफ्ता बाजी की बेटी नजमा, वो तो बड़ी प्यारी सी मासूम सी है। हाँ भाई, लड़के और लड़के के सारे घर वालों को बता दिया था कि लड़की बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बीए भी कर रही है आगे, मगर बस उस बेचारी की किस्मत ही ख़राब है। निकाह हुआ था उसका और घर बैठे तलाक हो गई, रुखसती भी नहीं हुई थी। फिर अब क्या हुआ? अरे भाई फिर ये हुआ कि लड़के वालों के घर में किसी ने जाके बता दिया कि जिससे पहले शादी हुई थी ना उस लड़के के साथ ये बच्ची बाहर मोटरसाइकिल पर आवारागर्दी करती फिरती थी। हाय सच्ची, नजमा तो ऐसी नहीं लगती। अरे कहाँ मोटरसाइकिल पे ले लेके घूमता होगा, पागल हो गई हो क्या? इतने सख्त हैं नजमा के बाप भाई तो उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते। मुझे तो यकीन है ये ज़रूर उसके किसी कमीने रिश्तेदार की शरारत है। तो फिर बाजी क्या ये रिश्ता कैंसिल? पागल हो गई है, रिश्ता कैंसिल? आज तो उनके घर में ढोलकियाँ हो रही थी, सारी बात तय होनी थी और ये झगड़ा हो गया। बेबी बाजी मैं तो कहती हूँ छोड़ो,
ये जो नजमा के घर वाले हैं और जहाँ आपने उसका रिश्ता तय किया है, मुझे तो दोनों कसाई लगते हैं। मैं तो कहती हूँ छोड़ो, और आप कहो ना आपस में मिलकर खुद ही निपट लो। अरे क्यों दफ़ा करो, दोनों तरफ मेरी आधी आधी फीस रहती है, और वो जो बुढ़िया है ना 100-100 रुपये का 2 दफ़ा मेरा बैलेंस ख़त्म करा चुकी है कि जद्दा में भाई से बात करनी है, मशवरा कर लूँ। मशवरा ही नहीं ख़त्म हो रहा उसका तो। नहीं इफ़त, ये रिश्ता तो मैं करा के ही दम लूँगी, और तुम ना अपने ज़रा मशवरे अपने पास रखा करो। खाना बांध दिया कि नहीं? बाजी ऐसी निहारी बनाइए ना कि आप याद करेंगे। ऐसी निहारी बनाइए कि बस उसमें निहारी का जायका भी है कि नहीं? बहुत जायका है बाजी, और मैं समीना बाजी की तरफ बांधकर छोड़ भी आई हूँ। अरे तो तू अकेले क्यों चल पड़ी, हम दोनों साथ ही चले जाते। तो समीना बाजी का घर कौन सा दूर है, यहीं तो है नुक्कड़ पर। आप और समीना बाजी तो हमेशा साथ रही हैं ना, पहले आपका घर चौराहे पर था और समीना बाजी का पिछली गली में। हाँ हम हमेशा बड़े करीब रहे, बहुत ही करीब। ये नाहिद नज़र नहीं आ रहा, किधर है? आपका भाई आज तक कभी टाइम पे आया है? चलो खुद ही आ जाएगा निहारी की खुशबू सूंघते हुए, हम चलते हैं। आप ठंडा पानी भी समीना बाजी के यहाँ पी लीजिएगा, और मैं भी वहीं से ही घर निकल जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, भूख भी बड़ी जोर की लगी है और प्यास भी, उठ जा चल। ताला कहाँ है गेट का? मजाल है कि कोई आवाज तो आ जाए किसी जानदार की मकबरे के बाद। दिन में भी आवाजें आती हैं तो वही कुत्ते बिल्लियों की। क्या ही अच्छा होता तो 1-2 चार पोता पोती दे देता मुझे। अरे दर्जनों तो नहीं मांगी थी, सिर्फ 1-2 चार ही तो मांगी थी। कुछ तो रौनक होती है इस बेजान घर में। अम्मी खाना लगा दूं? क्यों, इफ्तिखार का इंतज़ार नहीं करेंगे क्या? नहीं आज उन्हें देर हो जाएगी, ऑफिस में कुछ काम है, उन्होंने कहा था हम लोग खा लें। एक इफ्तिखार ही तो होता है, बाहर के किस्से कहानियाँ चुटकुले जिंदा लोगों के हाल अहवाल बताता है, वरना सारा दिन ही हो जाता है इस बांझपन का शौक मनाते हुए। अरे वहीं आती हूँ मैं खाना खाने के लिए, सुबह से कमरे में बंद रह रहे कदम घुटने लगता है। अरे रजिया ज़रा रुक, हाथ पकड़ बेटा, कोई और तो है नहीं जो हमारा सहारा बन सके, तू ही रह गई है बस। चाय को तो बोल दो। हाँ चाय तो ला दे यार। अबे सलीम और रफीक क्या हाले, कैसे हो यार? खैरियत से? बस यार क्या बताऊँ भाई, तू तो भिंडी चला गया था शादी के बाद। अबे जैसे ही सास का इंतकाल हुआ, अभी तो 40वें की चांदनी अभी नहीं लिपटी थी, मैंने बीवी को बोला चल कराची वापस। अबे टिकट भी चलती हुई ट्रेन में टीटी से लिया है। बड़ी जल्दी दिखाई यार तूने, अगर तेरी सास दोबारा जिंदा हो गई तो। अबे पागल हो गया क्या, दुश्मनी है क्या मुझसे? देखो यार जिंदगी शर्त है, मुलाकात तो हो ही जाती है। अबे दोपहर की गाड़ी से यहाँ पहुँचा हूँ और रात को ठिए पर, मुझे पता था धरना हो हड़ताल हो, कोई इधर से उधर हो जाए कोई मर जाए, यार दोस्तों की महफिल यहीं जमेगी। अबे बात सुन, गूंगा है क्या, बोलता बोलता नहीं है? अबे गूंगा समझ रहा है तुझे, अपना इंट्रोडक्शन तो करा। अबे भाई इंट्रोडक्शन, मैं गूंगा नहीं हूँ। भाई, 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 भाई
अरे भाई खाना ला दो, निहारी की खुशबू मेरी आंतों में पहुंचे हुए भी घंटा हो चुका है। निहारी की खुशबू आंतों तक पहुंच गई होगी और चूहों ने दौड़ना भी शुरू कर दिया होगा। जनाब चूहे अब पेट में दौड़ते नहीं हैं, धरना देते हैं। चलो कहीं तो तब्दीली आई। वैसे समीना, ये दिन भर में कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करता है या सारा दिन बस टीवी पे खबरें ही देखता रहता है? अरे कहाँ, एक्सरसाइज का नाम सुन के तो हमारे घर में जंग छिड़ जाती है। अरे क्यों परवेज, और वो फिजियोथेरेपिस्ट जो आ रहा था? वो तो इन्होंने कब का भगा दिया। फिजियोथेरेपिस्ट भगा दिया क्यों? अगर फिजियोथेरेपिस्ट खातून हो तो फिर भी मेरी समझ में आता है, ये मर्द फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पैसे जाया करना मेरी समझ से बाहर है। तुम पैसे की फिक्र क्यों करते हो परवेज, तुम्हारे लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। अरे कहाँ ज़रूरी है, चार दिन में मैंने सारी एक्सरसाइजेज सीख ली हैं, समीना को सिखा दूंगा। मगर परवेज एक्सरसाइज ज़रूरी है। बेबी कोई फ़ायदा नहीं, अब हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि मैं नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकूँगा। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उसे इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। परवेज कोई मुआवजा भी हो सकता है, हम दोनों कितनी मन्नतें मानते हैं, दुआएँ करते हैं। बस अब मन्नतें ख़त्म, फिजियोथेरेपी वाला आउट और खाना शुरू। खुदा के वास्ते कम से कम हमारी उम्मीदें तो मत तोड़ो। मेरी उम्मीद तो तुम हो। बल्कि हम दोनों की उम्मीद तुम। बेबी तुमने जो मेरे लिए किया, हमारे लिए किया, हमारी औलाद के लिए, कितनी दफ़ा गिनवाओगी कि हमारा सारा खर्चा तुम्हारी वजह से चल रहा है, ये छत तुम्हारी वजह से, हम तुम्हारी उम्मीदों पर तो जिंदा है। कितनी दफ़ा कहा है कि इस तरह मत बोला करो। मैं तुम्हारा बहुत एहसान मंद हूँ, तुमने ऐसे वक्त पे हमारी मदद की है जब अपनों ने छोड़ दिया, बेसहारा माजूर। तुम ना होती तो मेरे ख़ानदान के साथ क्या होता है, तो सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। हम दोनों तुम्हारे बहुत एहसान मानते हैं। बस कर दो, इतनी तारीफें मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो अब तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो, खाना नहीं दोगे क्या परवेज को? गर्मा गर्म चावल, ठंडे हो गए थे दोबारा गर्म करके लाई। गर्मा गर्म चावल से क्या होता है जब जिंदगी में ही गर्म जोशी ना हो तो। देखो रजिया, ऐसे भी घर साए साए करता था, उस पे इफ्तिखार भी ना हो तो बिल्कुल खामोशी तारी हो जाती है, पूरा घर काट खाने को आता है। अम्मी मैं तो इन्हें बहुत कहती हूँ पर ऑफिस के काम ही ख़त्म नहीं होते। पैदा माँ करती है और वो संभाल बहू लेती है। वैसे वो तुम्हारी बहुत सुनता है, तुम उसको समझाती क्यों नहीं हो? देखो रसिया, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हो। सोचो ये घर घराना ये नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी? आप तो जानती हैं अम्मी, मैंने तो अपने सारे टेस्ट करा डाले। तुम तो जानती हो सारे टेस्ट तुम्हारे ख़राब थे, लेकिन इफ्तिखार के तो ख़राब नहीं थे, वो तो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है, कोई दूसरी राह भी तो हो सकती है। दूसरी राह? कर दो जैन, बस कर दो। कल सिर्फ 5 मिनट और गेम खेल लूं? नहीं बिल्कुल नहीं खेल लूं 5 मिनट और, सुबह कौन उठेगा? काला प्लीज। अरे स्कूल के लिए कैसे उठेगा जब गेम खेलता रहेगा? जैन छोड़ दे। जैन क्या कर रहे हो तुम, जाओ जाके दांत ब्रश करो। मम्मी प्लीज। नहीं जैन, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है ना, चलो फौरन जाओ। अब कैसे सीधा हुआ है, मम्मी को देख के कैसे सीधा हुआ है? गेम खेलेगा मगर दांत नहीं ब्रश करेगा।
तुम उसे सुला दो। कोई क्या करे, मैं जैन को सुलाने जा रही हूँ। कोई क्या कहे, वो मेरे बगैर सोता नहीं है ना। तुम लोग बातें करो। कहीं दर में आऊं कोई और है, ये जमाना कितना कठोर है। ये लो भाई। मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। रवि क्या बात है, बहुत खामोश हो आज। जब दिल और दिमाग की जंग शोरों पर हो, जब अकल जीत रही हो, उम्मीदें एहसास जज्बात सब हारते हुए दिखाई दे, बिलाखिर जीत अकल की होती है और उम्मीदें हार जाती हैं। अच्छा, अरे भाई खैरियत तो है, इतना फलसफा झाड़ दिया आज आपने, इतना कुछ कह दिया इतने से अल्फाज में। इफ्तिखार आप दूसरी शादी कर लें। क्या अगर मेरी शादी उसके बजाय तुमसे हो जाती तब भी? बेबी ना तुम्हारी बन सकी और ना बन सकेगी। हम तीनों जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह ठीक है। हम तीनों के दरमियान ये बंधन, ये रिश्ता दुनिया की मसलहतों और पाबंदियों का मोहताज थोड़ी है। रखा है तुम्हारे लिए अंदर, मैंने कहा था ना सूंघता हुआ आ जाएगा यहाँ तक। बेबी इसमें मैंने तुम्हारे सारे बर्तन पैक कर दिए हैं, देखची के अंदर छोटे प्याले भी रख दिए हैं। तुम सारी अपनी चीजें यहीं भूल जाती हो। तो क्या हो गया, तुम में मुझ में कोई फर्क है क्या? रखे रहने दो, बाद में ले लूंगी। नहीं फ़र्क तो कोई नहीं है, बचपन से ही याद है जब मेरे और तुम्हारे घर वाले हम दोनों में से किसी के भी कपड़े बनाते थे तो इस बात का ख़ास ख्याल रखते थे कि ये कपड़े समीना और बेबी दोनों पहनेंगी बारी बारी। और तुम्हें याद है स्कूल की कॉपीज़ भी एक सी होती थी और ईद बकरीद के जोड़े भी बिल्कुल एक से होते थे। हाँ मगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी निकली, मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब, इतनी ख़राब कि कभी कभी लगता है मैं मनहूस हूँ। ना मेरी परवेज से शादी होती, ना उसका एक्सीडेंट होता, ना ही वो माजूर होता। ना तुम मनहूस हो और ना वो माजूर है, हम दोनों हैं ना उसका सहारा, बस ऐसे ही सोचा करो। चाय तो बना दो जल्दी से। हाँ अभी बनाती हूँ। कोई सीरियस नहीं लेता, सब मुझे बुलाते भी हैं, बचा के पैसे भी दिलवाते हैं और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो क्यों रहते हो ऐसे दोस्तों के पास? तो फिर क्या करूं परवेज भाई, मेरे बचपन के दोस्त हैं उनको भी छोड़ दूं? अरे बेबी तुम इसकी शादी करवा दो, तुम्हारा तो अपना बैंक है रिश्तों का। अरे क्या बताऊं तुमको परवेज, क्या हरकतें करता है ये, मुंह खोल देता है अपना। अभी लड़की वाले घर से बाहर कदम भी नहीं रखते कि ये कुछ ना कुछ बोल के सारा काम खराब कर देता है। कैसे कराऊं इसकी शादी? मेरे अंदर से बच्चों की आवाज सुनाई देती है, तो क्या करूं परवेज भाई? लड़की के अब्बा और भाई जब कई बार बैठ के बात करते हैं ना, तो आप ही बताएं, गूंगा रहूं? हाँ फिर तो कहेंगे लड़का गूंगा है जी।
मैं इसको कहती हूँ कि ऑपरेशन करवा ले अपने गले का, आवाज ठीक हो जाएगी। डॉक्टर भी कहते हैं छोटा सा ऑपरेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनता ही नहीं मेरी बात। आप भी बताएं परवेज भाई, अगर ऑपरेशन के बाद अगर मेरी आवाज मोटी होने के बजाय अगर पतले गले से गायब होगी फिर क्या करूंगा? हाँ ये तो है। और बाजी ने मेरा नाम भी लड़कियों ने रखा है। आगे अफजाल भी तो है, नाहिद अफजाल। आप भी ना परवेज भाई मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। देखो नाहिद ना बहुत मर्दाना नाम है, बताओ ना। बस रजिया अब इस बहस को यहीं खत्म हो जाना चाहिए, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। बस इसमें हर्ज ही क्या है? इस तरह से हमारे घर में एक फर्द का इजाफा हो जाएगा। हमारा घर, हमारा सेहत, हमारा खानदान सब खुशियों से भर जाएगा। आप क्यों रोक रहे हैं घर में खुशियां और रौनक के आने से? अरे भाई हम अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं। नहीं इफ्तिखार वो आपकी नस्ल नहीं होगी। अम्मी को इस खानदान को एक सिलसिला चाहिए, एक वारिस चाहिए। ओ खुदा के वास्ते यार, हम कौन सा किसी बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक हैं? हैं, हर घर की एक सल्तनत होती है जो एक वारिस की मोहताज होती है अपने सिलसिले को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए। और फिर कमी तो मुझ में है, आप में नहीं। तो फिर इस घर को, इस खानदान को क्यों सजा मिले? तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा रजिया। जानती हूँ मैं, एहसास है मुझे, यकीन है इस बात का। आपसे ज़्यादा साफ और शफाफ दिल वाला मुखलिस कोई भी नहीं है। लेकिन इफ्तिखार आपको मेरी कसम, आपको दूसरी शादी करनी होगी। एक तो अब हर चीज में इतनी मिलावट हो गई है कि अब असली या मिलावट की तो बहस ही नहीं होती। अब तो बात होती है ज्यादा मिलावट वाली या कम मिलावट वाली। उसी तरह जिस तरह कुछ लोग कम बुरा खाना बनाते हैं या बहुत ज्यादा कम बुरा खाना बनाते हैं, जैसे कि तुम तो मेरी कभी तारीफ ना करना। अगर अभी मैं ये नौकरी छोड़ के चली जाऊँ ना और कोई दूसरी आ जाए तो लग पता जाएगा तुम्हें। अगर तुम काम छोड़ने वाली होती या अगर ऐसा कहें कि तुम्हें कहीं और काम मिल जाता तो तुम जा चुकी होती। अब अगर यही बहस करनी है ना और मैं इतनी ही बुरी हूँ तो आप बनवा लो मुझसे नाश्ता, करवा लो अपना मुझसे कोई एक भी काम। अभी तो दे दो ना नाश्ता, बहुत भूख लगी है। नाश्ता चाहिए? हाँ। भूख लगी है? बहुत। तो फिर चुप, मुँह पे उंगली रखो। अरे भाई क्या बहस हो रही है तुम लोगों में हैं? हेलो जी 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 अस्सलाम वालेकुम, शमीम बात कर रही हूँ जी। हाँ 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 पहचान गए बिल्कुल जी जी, वो सफिया के सामने वाला घर। अच्छा उसके सामने वाला गेट, ठीक है मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ जी। बिल्कुल ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। हमारी शादी को माशाल्लाह से 9 साल हो गए मगर औलाद नहीं है।
हमारे ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ 16 साल बाद भी औलाद हो गई। अल्लाह की मर्जी। मैंने सारे टेस्ट करा के देख लिए, हर तरह का इलाज करा लिया, मगर कमी मुझ में है। मेरे शौहर बाप बन सकते हैं। हम जब भी किसी बच्चे को देखते हैं, मेरे अंदर ममता की हूक उठती है, लेकिन मेरी हूक, मेरी ममता खोखली है। मेरे शौहर को बच्चे की बहुत ख्वाहिश है। अच्छा, वो बाप बन सकते हैं तो इस नेमत से क्यों महरूम रहे? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनकी शादी करा दें। देखें, शादी तो मैं करा दूं, लेकिन आपको पता है ना कि इसके बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, सब कुछ सब बदल जाएगा। जी, मुझे अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन अच्छी या तकलीफ दे, कम से कम इस घर को, इस ख़ानदान को और इफ्तखार को एक खुशी, एक मुस्तकबिल तो मिलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले ना मुझे आपके शौहर से मिलना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनका भी तो फैसला जानना ज़रूरी है ना। अच्छा ठीक है, चले अब फिर मैं जाती हूँ, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। नहीं, आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैं। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ, आप रुके। कहीं छाँव है, कहीं धूप है। ये क्या स्त्री की सरकार जी? कपड़े स्त्री किए और क्या? ये देखो जरा क्रीज को, लगता है रेल की पटरी, एक जारी लाहौर और एक जारी क्वेटा ताफ्तान। तुझे तो मेरा किया हुआ कोई काम पसंद नहीं आता, हर काम में तू मेरे मीन मेख निकालता है। ना मेरा पकाया हुआ खाना तुझे पसंद आता है, ना मेरी की हुई सफाई तुझे पसंद आती है। ओ भाई, ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ। बाजी ने ना मुझे निकालना नहीं है, तू ऐसा कर, अपने लिए एक बीवी ले आ और उसको अपने हुक्म पर इधर से उधर परेड करवा। दूसरे ही महीने ना जाके बैठे अपने माँ बाप के घर, ना मेरा नाम भी इफ़त जहाँ नहीं। इंशाल्लाह मेरी शादी हो कर ही रहेगी। पहले अपने गले का ऑपरेशन तो करा ले। इस आवाज में कहेगा कबूल है कबूल है, तो काजी साहब कहेंगे पूछ तो मैं दूल्हा से रहूं, जवाब दुल्हन दे रही है कबूल है कबूल है। उड़ा लो मजाक मेरा, मुझे नहीं ऑपरेशन कराना, तुम मेरा गला कटवाना चाहती हो, मुझे नहीं आना डॉक्टर के छुरी के नीचे। हाँ तो फिर रही हो कुंवारे का कुंवारा। और सुन, बाहर ना निकला कर, कोई बछड़ा समझ के तेरे ऊपर छुरी ही ना फेर दे। बेबी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरे इफ्तिखार के लिए जो भी लड़की देखो, कच्ची उम्र यानी छोटी उम्र की लड़की हो, और हमसे ज़रा मतलब ये है कि हमें जहेज की और चीज़ों की तो ज़रूरत है नहीं। मतलब आपको गरीब घराने की लड़की चाहिए? बिल्कुल, तुमने सही समझा। कोई ख़ास वजह है इसकी? वजह पूछनी ज़रूरी है क्या? भाई देखें, जैसे आपके कुछ शर्तें हैं ना आपा, तो उनकी भी तो कुछ बातें होंगी। वो मुझसे पूछेंगे ना कि भाई गरीब घर आने की कम उम्र की लड़की ये क्यों चाहिए। अरे इतने सवाल कहाँ करते हैं लड़की वाले। अल्लाह ने इस मुल्क को दो ही चीज़ें तो दी हैं छपर फाड़ के, एक गुर्बत, दूसरी बेटियाँ। एक एक घर में दो दो चार चार लड़कियाँ राह तक रही हैं अच्छे रिश्तों के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, और मेरा इफ्तिखार तो सुख की सेज और सोने की कान है। बात तो आप ठीक कर रही हैं,
लेकिन ये जो आपकी सुख की सेज और सोने की कान है ना, उसके ऊपर दूसरी शादी और बेऔलादी का ठप्पा लगा हुआ है। तो क्या इतने सवालात पूछेंगे लड़की वाले? अरे पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे, हक है उनका। अच्छा भाई, तुम बस इतना ख्याल रखो कि लड़की की उम्र छोटी हो और गरीब घराने की हो, और अगर उन्होंने ऐसे सवालात किए भी तो एक अच्छी दावत करके उनका मुंह बंद करा देंगे और ऐसे तोहफे देंगे कि उन्होंने जिंदगी में कभी देखे भी नहीं होंगे। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तुम डॉक्टर के यहाँ से आई हो, दवाई लाई हो? हाँ दवाई तो दी है, तीन चार टेस्ट भी लिख के दे दिए हैं। टेस्ट? हाँ, तकरीबन 1100-1200 रुपए तक की ज़रूरत पड़ेगी। 1100-1200? इतने पैसे कहाँ से आएंगे परवेज, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है रज़िया, तुमने इतने इमरजेंसी में मुझे ऑफिस से बुलवाया, पता है कितनी ज़रूरी मीटिंग में था मैं। और ये बाहर खातून कौन है ड्राइंग रूम में? खातून बाहर आकर बैठी हैं, इनके पास एक मुनासिब रिश्ता है। लाहौल वाला खुद, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जा रहा हूँ। रुके इफ्तिखार, आपको मेरी जान की कसम, आपको मेरी बात माननी होगी। अगर इस घर की खुशियों को कायम रखना है, इस घर को आबाद रखना है, तो आप मुझे मना नहीं करेंगे। कहीं कुर्बते हैं धड़क रही, कहीं बढ़ती है ये दूरियां। नजमा नाम है लड़की का, खूबसूरत है और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। माँ बाप बहुत ही शरीफ हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। बच्ची ने बीए किया हुआ है, सलीका बहुत आया उसके अंदर। घर रखने की बहुत अच्छी तमीज़ है उसमें, वो सारी खूबियाँ हैं जो एक अच्छी लड़की में होनी चाहिए। अरे तुम बोलते बोलते क्यों रुक गई, बोलो ना। उस लड़की का ना निकाह हुआ था, मगर रुखसती से पहले ही तलाक हो गई। वो असल में लड़के वालों के घर का रहन सहन और उठना बैठना देखकर ना लड़की वाले थोड़ा घबरा गए थे, तो उन्होंने कोर्ट से खुला ले ली और खुला के कागजात भी आ गए हैं, अब फाइनल हो गया सब। मगर वो बोलो बीवी, अच्छा है शादी से पहले सब सच पता चल जाए। असल में लड़के वालों ने ना लड़की पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए तलाक के बाद, कि वो सारा दिन लड़के के साथ बाहर आवारागर्दी करती थी और फिर घर से सारा सारा वक्त गायब भी रहती थी। उसके कसीदे पड़ेंगे क्या? जाहिर है बुराई तो करेंगे ना। जी मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छे घराने की लड़की है, माँ बाप बहुत शरीफ हैं और सोमो सलात के बहुत ही पाबंद हैं। अगर तुम तस्वीर लाई हो तो दिखा तो दो। जी ये, हाँ जी ये वाली है। माशाल्लाह तस्वीर तो अच्छी है। अरे इफ्तिखार तुम आओ आओ बेटा,